हे हनुमान जी, आप ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाइए और जाकर देखिए ये दोनों रूप के निधान सुंदर पुरुष कौन हैं। यदि ये वाली के दूत हों तो दूर से ही संकेत कर देना, मैं इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। ये पता लगाइए कि ये सुंदर पुरुष कौन है, कहीं ये हमारे शत्रु तो नहीं। हनुमान जी सुग्रीव से आज्ञा मांगकर यह पता करने के लिए निकल पड़ते हैं श्री राम और लक्ष्मण जी की ओर। और इस प्रकार आप देखेंगे एक अनुपम भेंट। कपित है गयाउ बात नाई, पूछत अस भयाउ। स्वामी, आप इन कोमल चरणों से इस कठोर भूमि पर कैसे चल रहे हैं, और आप इतने सुंदर और कोमल होकर भी इस असहाय धूप को कैसे सहन कर रहे हैं। आप दोनों का मंगल हो। और आप कृपा करके बताइए कि आप दोनों कौन हैं? हे विप्र, हम अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। पिताजी की आज्ञा मानकर हम वन में आए हैं। हमारे साथ मेरी स्त्री सीता भी थी, परंतु वन में ही एक राक्षस ने उसका हरण कर लिया। अब हम उन्हीं को खोजते हुए यहां तक आ पहुंचे हैं। हम पंचवटी से आ रहे हैं। आप कौन हैं और यहां कैसे पधारे हैं? मोरने आऊ मैं पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। मोरने आऊ मैं पूछा साईं, तुम कछु कस नर की नाई। तुम कछु कस नर की नाई। हनुमान जी वहां ब्राह्मण का रूप धरकर आते हैं और राम लक्ष्मण जी के पास जाते हैं और पूछते हैं, और ये जानने के बाद मेरा पूछना तो न्याय संकट, क्योंकि मैं आपको पहचान ना सका, परंतु आप ये मनुष्य के करीब कैसे पूछ रहे हैं? मैं भक्ति मद और मोह में वश में हूं, इसलिए आपको पहचान ना सका। लेकिन हे दीन बंधु, आपने मुझे कैसे भुला दिया? मैं पवन पुत्र हनुमान अयोध्या आया था प्रभु, तब आप भी बाल अवस्था में थे।
मैं आपसे खेलने महल आया था प्रभु। फिर पिताजी ने मुझसे कहा यहाँ किष्किंधा भेजा, वानर राज वाली के भाई सुग्रीव ने मुझे अपनी सेवा में रख लिया। हनुमान मेरे मित्र, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? हे प्रभु, इस पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं जो आपके दास हैं प्रभु। आप उनसे मित्रता करके उन्हें अभय कर दीजिए प्रभु। वो सीता माता को खोजने में आपकी सहायता अवश्य करेंगे प्रभु। उनके बड़े भाई ने उन्हें किष्किंधा से निर्वासित कर दिया है प्रभु, वो आपका साथ पाकर प्रसन्न हो जाएंगे। केसरी कुमार, हम तो स्वयं उनसे मिलना चाहते हैं। कबंद ने हमें उनसे मिलने की सलाह दी थी। कबंद ने? वो अपने राक्षस रूप से मुक्त हो गया है और गंधर्व लोक चला गया है। प्रभु, आप दोनों मेरे कंधे पे विराजमान होने की कृपा करें। दृश्य आप केवल और केवल लव कुश रामलला कमेटी द्वारा आयोजित इस वचन मिला मंचन मंगल ही करते मंगल में भगवान मंगल को जन्म में मंगल ही करते मंगल में कितनी मेहनत कितनी लगन। जय हनुमान। इस तरह के मंगल ही करते मंगल में भगवान मंगल को जन्म में मंगल ही करते मंगल में भगवान। अद्भुत दृश्य जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान सभी जय जय हनुमान। सभी मानवों में खुशी कि हनुमान जी आ रहे हैं। देखिए किस प्रकार इन दृश्यों का सजीव चित्रण करने के लिए सभी कलाकार एक तरह से कोई तुम्हारे अतुलित बल का कर न सका अनुमान कोई तुम्हारे अतुलित बल का कर न सका अनुमान कोई तुम्हारे अतुलित बल का कर न सका अनुमान कोई तुम्हारे अतुलित बल का कर न सका अनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। मंगल को मंगल ही करते मंगल में भगवान मंगल को जन्म में मंगल ही करते मंगल में भगवान। जय हनुमान
मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगल में भगवान मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगल में भगवान हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को सुग्रीव के दरबार में ले जाते हुए प्रणाम सुग्रीव जी ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु राम और लक्ष्मण हैं इनके साथ इनकी पत्नी सीता भी थी परंतु किसी राक्षस ने उनका हरण कर लिया है ये उन्हीं को कोसते हुए इधर आए हैं ये आपसे मित्रता चाहते हैं मैं भी भाई के द्वारा निर्वासित वानर आप पराक्रमी हैं फिर भी मुझ वानर से मैत्री चाहते हैं यह मेरा परम सौभाग्य है आपके मैत्री की आवश्यकता मुझे अधिक है यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि आप मुझे अपना मित्र बनाना चाहते हैं मैंने ये हाथ फैला दिए हैं आप इन्हें पकड़कर संसार में मित्रता की मर्यादा बनाएं तो जीवन धन्य हो जाए मित्र हनुमान हम शपथ लेके अग्नि की व्यवस्था करें सुग्रीव आज हमारे हुए आप तनिक भी चिंतित ना हो हम आपके साथ हैं सुग्रीव जी हनुमान जी आप जाएं अग्नि ले आए तब हनुमत उभय दिश की सभी कथा सुनाई पावस साखी दे करी जोरी प्रीति मैं रघुवंश दशरथ पुत्र राम ये शपथ लेता हूं कि आप सुग्रीव मेरे सखा हुए आपका शत्रु मेरा शत्रु आपका मित्र मेरा मित्र रहेगा मैं अपने पिता और भगवान सूर्य जो हमारे कुलपुरुष हैं उनको इस मित्रता की साक्षी मानकर आपकी मित्रता स्वीकार करता हूं
हे प्रभु ये आसन स्वीकार करें, ये हमारा सम्मान देने का द्योतक है। आज के समान ही मैं यहां बैठा था, आकाश से किसी नारी के रोने की आवाज आई। हम चौंक कर देखने लगे, 10 मुख 20 भुजा वाला रावण उस अबला को विमान में पीछे बिठाकर हठपूर्ण लिए जा रहा था। उन्होंने आवाज लगाई, मुझ सहाय जनक पुत्री सीता के धर्म भाई बन्ना स्वामी आए तो उन्हें दिखाकर ये समाचार देना। और उन्होंने एक फटे कपड़े में कुछ गहने नीचे फेंके, सीते सुग्रीव वो आभूषण कहाँ है? हनुमान जी जाएं और आप वो पट आभूषण ले आएं। जी महाराज। ये उसी माला के मोती हैं, ये मेरी सीता के मोती हैं, ये कंगन मेरी सीते का ही है, ये उसी माथे का टीका है। सीते सीते तुम कहाँ हो? लक्ष्मण तुम देखो, लक्ष्मण ये सीता के ही कुंडल है ना? आर्य मैंने कभी अंबा के श्रीमुख और हाथों को नहीं देखा, मैं तो हमेशा उनके चरणों के दर्शन करता हूं। तुम कुछ नहीं पहचानते लक्ष्मण। पहचानता हूं आर्य, इन निपुरों को मैं पहचानता हूं भ्राताश्री। मैं प्रातः माता श्री के चरण छूकर देखता था, अब तो ये लगता है कि माता के चरणों से दूर ये भी रो रहे हैं भ्राता। प्रभु मैं आपकी पत्नी के हर्ता को मार दूंगा, मैं उन्हें ढूंढने में कोई चेष्टा नहीं उठा रखूंगा। मित्र अपनी कहो, तुम्हारे अपने स्वयं भाई ने
तुम्हारी पत्नी को छीन ली, छोटे भाई से उसकी शत्रुता का क्या कारण है? हे प्रभु, मैं और बाली आपस में भाई थे, हम दोनों में बड़ा प्यार था। एक बार मैं दानव का पुत्र मायावी नगर में घुस आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली उसकी ललकार को सहन न कर सका और उसके पीछे पीछे भागा। भागते भागते मायावी जंगल में एक गुफा में घुस गया, बाली भी उस गुफा में घुस गया। जाते जाते वह मुझसे कह गया कि तुम एक पखवाड़े तक मेरी प्रतीक्षा करना, यदि मैं नहीं लौटा तो समझना कि बाली मारा गया। प्रभु, मैंने एक माह तक प्रतीक्षा की। एक दिन मैंने देखा गुफा से रक्त की धारा बह रही थी। मैंने समझा बाली मारा गया। तब मैंने एक विशाल शिला से उस गुफा का द्वार बंद कर दिया और नगर वापस लौट आया। नगरवासियों ने राजगद्दी को सुना देखकर मुझे वहां का राजा बना दिया। हे प्रभु, एक साल बाद एक दिन बाली वापस लौट कर आया और मुझे राजगद्दी पर बैठा देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने मुझे बहुत मारा, मेरी पत्नी को भी मुझसे छीन लिया। हे प्रभु, तभी से मैं कुछ मंत्रियों सहित इस पर्वत पर निवास करता हूं, क्योंकि बाली मातंग ऋषि के श्राप के कारण इस पर्वत पर नहीं आ सकता। हनुमान ने उसे समझाने का प्रयास किया पर वो गुस्से में बोला, मैं उसका संसार में नाम नहीं रहने दूंगा, देखूंगा वो यहां ऋषि मुख पर्वत पर कब तक छुपा रहता है। हनुमान रुष्ट होकर मेरे पास चले आए, मेरी पत्नी छीन ली गई। वो सदा मुझे मार देने का प्रयत्न करता रहता है। मेरी अवस्था आप समझ सकते हैं। हे सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण में संहारूंगा, फिर वो चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में क्यों ना चला जाए, अब उसके प्राण नहीं बच सकते। किंतु प्रभु, बाली बड़ा बलवान है, उसके बल की कोई सीमा नहीं है। अपनी दिग्विजय यात्रा पर लंका का राजा रावण किष्किंधा आया था, तब बाली पूर्वी समुद्र तट पर संध्या करने गया था। रावण ने वहां जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने उससे थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहा, किंतु रावण चिल्लाता रहा। यह देख बाली ने एक मामूली प्राणी की तरह उसे उठाकर अपने कांख में दबा लिया। वो उसको दबाए ऐसे चला। 6 महीने बाद उसे ध्यान आया कि रावण तो उसकी कांख में दबा हुआ है। तब बाली ने रावण को पुत्र अंगद के पालने से बांध दिया। महाऋषि पुलस्त्य आकर छुड़ा ना देते तो पता नहीं
कब तक बाली उसे बांधे रखता। मुक्त होकर रावण ने बाली से मैत्री की याचना की तो बाली ने उसे प्रभु स्वीकार कर लिया। अब आप निर्भय हो जाएं, मेरे बड़े भ्राता श्री का स्वरूप भी अभय है, इनके पास आए हुए को त्रिलोक में कहीं किसी से कोई भी भय नहीं रहता। क्षमा करें, मैं आपकी शरण में हूं, आपका अपमान करने का मैं साहस नहीं कर सकता, आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं, मैं तो स्वयं भयभीत हूं प्रभु। मैं तुम्हारे शत्रु को मार दूंगा प्रभु। हे प्रभु, आप देख रहे हैं वह द्विंदी राक्षस की हड्डियां और ताड़ के सात वृक्ष जो एक ही बाण से उसे गिरा देगा, वही बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है। हे सुग्रीव, मैं आपकी शंका का अभी निवारण करता हूं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार श्री राम ने एक ही बाण में सातों वृक्ष गिरा के बाली की मृत्यु की एक तरह से। हे सुग्रीव जी, अब आप जाएं और बाली को युद्ध के लिए ललकारें। मैंने अपनी अज्ञानता के कारण अब तक जो अशिष्टता की वो एक मूर्ख वानर की बुद्धिहीनता समझकर क्षमा कर दीजिएगा। मित्र, तुम्हारा अंतकरण निर्मल है, जाओ तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो।